हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पांच लैपटॉप के बारे में जो कि आपको मिलेंगे अमेजोन इंडिया पे 40,000 के कम की प्राइस रेंज में। जी हाँ, ये लैपटॉप होने वाले हैं स्टूडेंट के लिए, कोडिंग के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए। ये गेमिंग लैपटॉप नहीं होने वाले हैं, ये नॉर्मल यूजर्स के लिए लैपटॉप होने वाले हैं। अगर आप अपने लिए ये लैपटॉप लेना चाहते हो कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट है अंडर 40,000 के प्राइस रेंज में, तो आप ये वीडियो सही जगह पे आए हो एंड ये वीडियो एंड तक देखना। आपको वीडियो खत्म होने से पहले आप अपना डिसीजन ले सकोगे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करना। सो, पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने पांच लैपटॉप रखे है, कुछ हमने क्राइटेरिया उसमें सिलेक्ट किया है। जैसे कि सभी लैपटॉप में आपको SSD देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। सो, आप ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप 2021 में लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें SSD हो। दूसरी कि आप फुल रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप लो, मतलब 1080 डिस्प्ले होनी चाहिए, मतलब कि FHD लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप HD डिस्प्ले ले रहे हो लैपटॉप में तो वो इतना मजा नहीं आएगा आपको लैपटॉप यूज करने में, क्योंकि जो 720p एंड 1080p होता है उसमें आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएगा जब आप मूवी या कोई कॉन्टेंट देखने के लिए यूज करोगे तो। बाकी सभी लैपटॉप में मैंने ट्राई किया है कि आपको 1080 रेजोल्यूशन मिले। शायद एक तो लैपटॉप में आपको 720 मिल सकता है, लेकिन उनकी प्राइस भी कम होगी। सो, अब देख लेना, आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 2021 में लैपटॉप ले रहे हो तो एक इंटेल का लैपटॉप आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड एक राइजन का लैपटॉप अपने को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इंटेल ले रहे हो तो आपको इंटेल में मिनिमम आपको लेना पड़ेगा इंटेल i3 10th जनरेशन। एंड अगर आप राइजन पे जा रहे हो तो आपको राइजन पे लेना पड़ेगा राइजन 5 3500U वाला प्रोसेसर। ये दोनों ऐसे प्रोसेसर है जो कि आप अगर 2021 में ले रहे हो तो इससे कम का तो मत ही लेना, आपको कुछ काम में नहीं आएगा। मतलब काम में तो आएगा लेकिन इतना अच्छे से आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। ये दो प्रोसेसर है वो आपको इजीली 40K के अंदर में आपको मिल जाएगा एंड आप वही लेना। सो, एक ये बात थी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट का सबसे पहला लैपटॉप हम शुरू करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे लैपटॉप की जो लिस्ट है वो सबसे पहले लिस्ट पर हमने रखा है सबसे लो बजट वाला लैपटॉप। उसके बाद प्राइस भी इंक्रीज होगी एंड लैपटॉप का परफॉर्मेंस एंड लैपटॉप भी इंक्रीज होता जाएगा। सो, एंड तक आपको 40 के आसपास वाले लैपटॉप भी देखने मिलेंगे एंड ये सबसे सस्ता लैपटॉप है इस लिस्ट का। सो, स्टार्ट करते हैं। सो, जो हमारा पहला लैपटॉप है वो है लिनोवो आइडियापैड S145 वाला मॉडल। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा। ये 15.5 इंच FHD थिन एंड लाइट लैपटॉप है, मतलब कि इसमें आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी एंड इसमें आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप देखने का मिलेगा। इसकी जो बेसल्स है वो भी काफी नैरो है एंड काफी अच्छा लैपटॉप है लुक वाइज। एंड ये लेनोवो की ब्रांड की तरफ से आने वाला लैपटॉप है। इस पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है इंटेल का i3 10th जनरेशन एंड जो 10th जनरेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1005G1 वाला प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें 4GB की रैम देखने के लिए मिलती है एंड इसमें आपको 256GB की SSD देखने के लिए मिलती है। विंडोज 10 तो सब में होने वाला है, वो तो कॉमन सी चीज़ है। एंड इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखने के लिए मिल जाएगी, इस प्लस इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड कंपनी ऐसा बोल रही है कि इसमें आपको 5.5 आवर का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसका वेट की बात करूँ तो आपको इसमें 1.8 kg वेट देखने के लिए मिलेगा। सो, ये हमारा लिस्ट का सबसे पहला लैपटॉप था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। अब हम दूसरे लैपटॉप की बात करते हैं। सो, जो दूसरा लैपटॉप हमारा है वो है HP के ब्रांड से आने वाला। ये है HP 14 थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप। ओके, ये होने वाला है 14 इंच वाला लैपटॉप। इस पे आपको मिलेगा इंटेल का i3 10th जनरेशन, प्लस इसमें आपको 8GB की रैम देखने के लिए मिलेगी जो कि काफी अच्छी बात है। प्लस इसमें आपको 256GB की SSD देखने के लिए मिलेगा। विंडोज 10 कॉमन है, मैंने पहले ही बोला था विंडोज 10 आपको सब में देखने के लिए मिलेगा, MS Office भी देखने के लिए मिलेगा। प्लस इसमें आपको 1.47 kg का लैपटॉप देखने के लिए मिलेगा। काफी अच्छा एंड लाइट वेट लैपटॉप होने वाला है। ओके, एंड इसकी डिजाइन भी नैरो डिजाइन में आपको मिलेगा, मतलब आप ये ले सकते हो 2021 में अगर आप HP के फैन हो तो। प्लस इसकी जो प्राइस है वो है राउंड अराउंड आपको 37K के आसपास मिल जाएगा। आप इसको ऑफलाइन भी देख सकते हो, अगर आपके आसपास HP का कोई स्टोर है तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप Amazon से लेना चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी प्रोवाइड कर ली है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके,
इसका मैं एक नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूंगा, ये आपको 720 पिक्सल में देखने के लिए मिलता है, मतलब इसमें फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसमें आपको 720 देखने के लिए मिलेगा, वो आप याद रखना अगर आप ये बाय कर रहे हो तो। और कंपनी के हिसाब से आपको इसमें 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा, एंड इसको अगर आप स्टैंड बाय पे रखते हो तो इसको आप 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है, ऐसा कंपनी ने बोला है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे लैपटॉप की ओर। अब आपको तीसरे नंबर पर लैपटॉप देखने के लिए मिलेगा जो कि एसर की साइट से आता है, एंड उसका नेम है एसर एस्पायर 5। ये आता है इंटेल का लैपटॉप है, आपको इसमें मिलेगा इंटेल i3 10th जनरेशन, एंड ये भी 14 इंच का लैपटॉप है, तो आपको इसमें मिलेगा 4 GB की रैम देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आपको इसमें आपको 512 GB की SSD देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये सभी लैपटॉप में से जो मुझे सबसे अच्छी SSD वाली चीज लगी वो ये लैपटॉप की है। प्लस इसमें आपको 32 Optane मेमोरी देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आपको पता नहीं हो कि Optane मेमोरी क्या होती है, तो Optane मेमोरी बेसिकली ये होती है कि अगर आप एवरीडे कोई काम कर रहे हो, मान लो कि अगर आप एवरीडे गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, गूगल मीट यूज कर रहे हो फॉर मीटिंग, ओके, सो ये 32 GB जो होती है हमारी लैपटॉप में वो ऐसा काम करती है कि जो आप एवरीडे यूज करते हो एप्लीकेशन, उसको पहले से ये ओपन करके रखता है। इससे होता क्या है कि अगर आप वो एप्लीकेशन कभी भी यूज करते हो वो इंस्टेंट ऑन हो जाएगी, ओके, सो इसको Optane मेमोरी कहते हैं। सो अच्छी बात है, इसमें भी आपको विंडोज 10 होम देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेगा, काफी अच्छी चीज है। इसका जो वेट है वो है 1.5 kg, काफी अच्छा वेट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 10.5 आवर का मिल जाएगा, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ लैपटॉप के और, एंड जो चौथा लैपटॉप है वो है MI कंपनी से आने वाला। पर्सनली मुझे MI कंपनी इतनी पसंद नहीं है, बट स्टिल जो MI के लैपटॉप होते हैं वो काफी वैल्यू क्रिएट करते हैं, एज वेल एज उनके मोबाइल भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। जो फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है वो है MI नोटबुक 14। ये आपको मिलेगा अराउंड 8K के आसपास मिल जाएगा, एंड ये काफी अच्छा लैपटॉप है। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, ये आपको मिलेगा इंटेल के i3 10th जनरेशन के साथ, एंड इसका जो प्रोसेसर है वो है 10110U, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड इसके अलावा आपको इसमें FHD अल्ट्रा थिन लाइट वेट देखने के लिए मिलेगा, जो इसके बेजल से वो काफी नैरो है, मतलब 2021 के हिसाब से इसकी डिजाइन है, काफी अच्छी डिजाइन है। एंड इस पे भी आपको 1080 डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, वही लिखा है FHD। इसके अलावा आपको इसमें 8 GB की रैम देखने के लिए मिलेगा। आपने अभी तक के जो भी लैपटॉप देखे होंगे उसमें आपको 4 GB की रैम देखने के लिए मिल रही होगी, लेकिन ये जो लैपटॉप है इसमें आपको 8 GB की रैम मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। HP में आपको 8 GB की रैम देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन वो 720 डिस्प्ले था, वो याद रखना। कोई भी लैपटॉप आपको पूरा अच्छा नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो या मेमोरी में कर सकते हो। सो ये हमारा 8 GB वाला, इसमें आपको स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी 256 GB, विंडोज 10 होम आपको देखने के लिए मिलेगा, इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिलेगा UHD वाला। इसका जो वेट है वो है 1.5 kg, एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 10 घंटे का देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा फिफ्थ एंड लास्ट लैपटॉप की ओर, जो कि काफी अच्छा लैपटॉप है, एंड उसकी जो प्राइस है वो 40,000 से थोड़ी ऊपर है, लेकिन अगर आप ऑफर में लोगे तो आपको वो 40 से अंदर भी मिल जाएगा। अभी जो मैं करंट प्राइस है वो बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो कहीं मतलब वीडियो आप कभी भी देखोगे तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो उसी को चेकआउट करके आप ओपन करना, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे डिफरेंट सेम ब्रांड के डिफरेंट लैपटॉप मिलेंगे, कुछ किसी में HDD होगा, किसी में SSD होगा, सो वो आप गलती मत करना, वो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लिंक से ही क्लिक करना। अब हमारा जो लास्ट लैपटॉप है फिफ्थ नंबर वाला, वो आता है Asus VivoBook 15 का, एंड इस पे लगा है AMD का क्वाड कोर Ryzen 5 3500U प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो है 15.6 FHD थिन एंड लाइट डिस्प्ले, मतलब इसकी जो बेजल से वो भी काफी नैरो बेजल से, आपको बहुत बढ़िया से आप कंटेंट कंजम्पशन कर सकते हो, मतलब आप बढ़िया से मतलब आराम से नेटफ्लिक्स एंड Amazon देख पाओगे, बहुत बढ़िया डिस्प्ले है इसकी, एंड ऑफ कोर्स इसमें FHD डिस्प्ले मतलब 1080 देखने के लिए मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको इसमें 4 GB की रैम देखने के लिए मिलेगी, 256 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी, एंड ये है NVMe SSD, जो कि काफी फास्ट होती है, सबसे फास्ट जो SSD होती है वो है NVMe SSD होती है।
इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको इसमें भी विंडोज 10 देखने के लिए मिलेगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेगा। इसका जो वेट है वो है 1.8 kg। इसका मॉडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोला, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 5.2 आवर का देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको कोई सजेशन लेना हो रिगार्डिंग टू लैपटॉप बाय करने के लिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, एंड एज वेल एज आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। सो कमेंट कर देना अगर आपको कुछ पूछना हो तो। सो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।